हेलो फ्रेंड्स, सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। दिस इज प्रोफेसर प्रवीण बलदुआ फ्रॉम प्रोवेंग सीएस। सो आपने मेरे बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे। नाउ, जैसे मैंने दूसरे लेक्चर्स में आपको बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज पॉइंट्स दिए, टुडे आवर टॉपिक इज डेप्रिसिएशन। यस, आज मैंने सारे पॉइंट्स, ऑल थियोरेटिकल पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे ही लिखे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, नाउ बट बिफोर आई स्टार्ट, वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल, यू कैन डाउनलोड माय नोट्स बराबर फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इट इज ऑल द पास्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। ओके, नाउ हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। हर लेक्चर में कहता हूँ, शायद कोई मेरा लेक्चर ये डेप्रिसिएशन का पहली बार देख रहा हो। ठीक है, नाउ आई एम नॉट टीचिंग यू दिस टॉपिक, आई एम नॉट टीचिंग यू, ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ रिविजन। आपने बहुत रिविजन्स कर लिए। नाउ मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट्स, वो टॉपिक्स देने वाला हूँ कि आपको इतना पढ़ना है जो आपके एग्जाम में 99.99% आएगा। ओके, नाउ इतना पढ़ लीजिए बराबर इस चैप्टर से, इतना आपको पढ़ना है, बाकी का पढ़ो छोड़ो, आई एम नॉट कंसर्न। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिकॉज देर आर सो मेनी मेथड्स एंड देर सो मेनी वेराइटीज। वेलकम टू सी ट्वेल्व। प्लीज काम्या, डेप्रिसिएशन आपको एकदम क्लियरली मेरा बोर्ड दिख रहा होगा, बराबर है ना, मेरी हैंड राइटिंग भी दिख रही होगी, समझ में भी आ रही होगी ना। मैं इसको फटाफट डिस्कस कर देता हूँ, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। देर आर फोर मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस, फिर मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशंस में क्या आया है और क्या नहीं। ओके, शुरू करते हैं ना। थियोरी में ये सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स, एंड आई गारंटी एग्जाम में आज तक कम से कम एक से दो क्वेश्चन थियोरी की आई हैं। एंड देयर आर टोटल 11 पॉइंट्स। ये 11 पॉइंट्स के अलावा आपकी थियोरी में और कुछ नहीं आएगा, दैट्स माय गारंटी। ठीक है, नाउ यार 99.99% की गारंटी दे रहा हूं, और क्या चाहिए आपको, है ना। नाउ प्लीज लिसन, थियोरी में डिक्रीज इन द वैल्यू, पहला पॉइंट तो अपना मीनिंग है, जो एग्जाम में दो बार पूछा गया है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब भी क्या है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत क्यूट सा टॉपिक है, और आपको बहुत अच्छे से आता भी है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब है, एवरी ईयर हम एसेट की वैल्यू को बुक्स में कम करते हैं, और एसेट की वैल्यू को थोड़ा जिस अमाउंट से कम करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर बनता है, एंड दैट्स व्हाई वी पुट इट इन द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। अग्री करते हो ना। डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएंट है, हम यूज करते हैं, हम डैमेज कर देते हैं, उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। कभी कभी डेप्रिसिएशन चार्ज करने का रीजन ये भी है, आपकी मशीनरी आउटडेटेड हो गई है, मार्केट में जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपकी मशीनरी नहीं बना पाती, जो प्रोडक्ट आपकी मशीन बना रही है उसकी मार्केट में डिमांड खत्म हो गई है, बराबर, इट्स कॉल्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तो भी हमें उसको राइट ऑफ करना ही होता है। सो मेनी रीजंस, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि डेप्रिसिएशन में हम एसेट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो देखो, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, ये स्टेटमेंट दिया था और आपको मीनिंग पूछा था, उन्होंने लिखा था डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेरिएंट है इज कॉल्ड व्हाट। भाई एसेट की वैल्यू को कम करने को क्या कहते हैं, बट ऑब्वियस है डेप्रिसिएशन। जो मैंने ब्लैंक छोड़े हैं वो सब आपके एमसीक्यूज थे, बराबर, इट्स अ डेप्रिसिएशन, सो सिंपल। हाँ कि ना, अब यू नो व्हाट, जब हम टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज करते हैं ना, तो आपको लगता है कि दिस टॉपिक्स आर वेरी सिंपल, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज इन द एग्जाम ऑल टॉपिक्स आर गेटिंग मिक्स एंड देन इट कम अप। तो मालूम है, अपने दिमाग को एक पर्टिकुलर पैटर्न में सोचना होता है। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन तो आपको समझता है, अच्छा ये तो डेप्रिसिएशन का हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते पहले आप चैप्टर देखते हो, चैप्टर में फिर आप टॉपिक पे जाते हो, एम आई करेक्ट, अपना दिमाग, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम, लेकिन इट रिक्वायर प्रैक्टिस फ्रेंड्स। नाउ अंडर एसएलएम मेथड, सेकंड पॉइंट, अंडर एसएलएम मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। एसएलएम मेथड में आप डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस की ओपनिंग बैलेंस, ऑफ कोर्स ऑप्शंस दिए होते हैं ऑन कॉस्ट प्राइस और यू कैन से ओरिजिनल वैल्यू। ये सब आपके एमसीक्यूज हैं, थ्योरी में इनमें से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आ सकते, बराबर ना। डैश आर शोन एज WDV इन द बैलेंस शीट। अब मालूम है इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि भाई फिक्स एसेट्स, बराबर ना, कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट पे WDV पे दिखते हैं। तो गाइस करंट एसेट्स जो है वो तो करंट मार्केट प्राइस पे दिखते हैं, बराबर है। डेटर्स किस पे दिखते हैं, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, चलो डेटर्स तो करंट वैल्यू पे दिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी करंट एसेट है, वो क्लोजिंग स्टॉक इज एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर पे दिखाई देते हैं। अरे हाँ कि ना, ये सब याद रखना। लेकिन फिक्स एसेट्स हमेशा WDV पे दिखाई देते हैं, तो फिक्स एसेट्स
आर शोन एज WDV इन अ बैलेंस शीट, बराबर फिक्स्ड एसेट्स आर एट WDV, अग्री करते हो ना? अब देखो द वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड, सॉरी फोर्थ पॉइंट, इफ डेप्रिसिएशन अमाउंट डिक्रीजेस द प्रॉफिट विल बी, ओह ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया ना, अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो जाए तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? तो फ्रेंड्स प्रॉफिट विल इंक्रीज, रिवर्स भी पूछ सकते हैं, याद रखना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, हाँ कि ना? तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम ही होगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, बराबर, और डेप्रिसिएशन कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब बोथ हैव इनवर्स रिलेशनशिप, अग्री? क्या पूछते हैं ना, बहुत अच्छी चीजें पूछी जाती है ना। डैश आर अमोर्टाइज, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स, बोलो टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। फ्रेंड्स इनटैंजिबल एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड, इनटैंजिबल एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड, ये भी आगे एग्जाम में पूछा गया है, ओके तो इनटैंजिबल एसेट्स आर ऑलवेज अमोर्टाइज्ड, ओके अब व्हाट इज दिस अमोर्टाइज्ड वर्ड, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अमोर्टाइजेशन इज लाइक इज सेम एज डेप्रिसिएशन ओनली, लेकिन अकाउंट्स में हम टेक्निकल लैंग्वेज में इनटैंजिबल एसेट्स को जब राइट ऑफ करते हैं तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं, टैंजिबल एसेट्स को की वैल्यू को कम करने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू को कम करने को हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं, बराबर। तो इनटैंजिबल एसेट्स को भी डेप्रिसिएशन तो लगता ही है, बट दैट इज कॉल्ड एक्चुअली अमोर्टाइजेशन। इनटैंजिबल एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, बराबर, दीज आर गेटिंग अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज इज द अनदर वर्ड फॉर डेप्रिसिएशन, वी आर यूजिंग फॉर इनटैंजिबल एसेट्स। देन वैल्यूलेस एसेट्स आर ट्रीटेड एज, गजब, बराबर, बहुत कम लोग पढ़ते हैं ये चीज, ऐसे एसेट जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है उस एसेट को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऐसे एसेट्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं, इट्स वैल्यूलेस assets, it's called fictitious assets. Fictitious assets, झूठ मूठ के assets, हाँ कि ना? Fictitious assets, आपने final accounts में, बराबर CS foundation के students, बराबर final accounts में आप लोगों ने types of assets पढ़े थे, short term assets that is current assets, long term assets that is fixed assets and one more that is fictitious, बराबर। अब आप बोलोगे कि सर हमने tangible intangible भी पढ़ा, friends वो जो tangible और intangible है वो fixed assets का ही part है, है ना? यस ना, ओके अच्छा आगे, डैश एक्सपेंडिचर्स लाइक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नेवर कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अच्छी चीज पूछी है एग्जाम में फ्रेंड्स, ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो डेप्रिसिएशन में कंसीडर नहीं किए जाते? तो फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड, व्हिच एक्सपेंडिचर्स आर नॉट कंसीडर्ड? इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, बराबर ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेवर कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अब ये किस सेंस में उन्होंने कहा है ये मैं आपको बता दूं, आप लोगों को क्वेश्चन में रिपेयर्स मेंटेनेंस दिया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन में ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटी दी जाएगी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा है परचेज रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, वो हमेशा, बराबर, वो हमेशा आपको क्वेश्चंस में आएंगे। परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हमेशा कॉस्ट में ऐड हो जाती हैं, हाँ कि ना? दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस एंड दे आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कभी भी कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते, इसलिए उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। होप यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट डैश इज रिकॉग्नाइज्ड। सुनो, एक्चुअली डैश मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड। अब मेरी बात सुनो, ये आपको ऑप्शन से समझता है, आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा है, यू नो डेप्रिसिएशन में आपने कितने सारे मेथड्स पढ़े, 5 to 6 मेथड्स यू पीपल हैव लर्न्ड एज पर सिलेबस ऑफ CS फाउंडेशन, SLM मेथड, RBM मेथड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, फिर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, फिर डिप्लीशन मेथड, मशीन आर्स मेथड, फिर इंश्योरेंस क्लेम मेथड, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है बट आपने नाम सुना होगा, फिर प्रोविडेंट फंड, सिंकिंग फंड मेथड, अरे बराबर ना, ये सारे मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना? उसमें से कौन सा मेथड है जो हमारी कंट्री में इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करती है?
बराबर। तो लिसन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट ओनली आरबीआई मेथड इज अलाउड, आरबीआई मेथड और यू कॉल इट डब्ल्यूडीबी मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज द ओनली मेथड विच इज अलाउड इन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। भाई आप लोग जब एग्जीक्यूटिव में चलोगे ना तो टैक्स, इनकम टैक्स इज माई वेरी वेरी फेवरेट सब्जेक्ट, आई विल बी टीचिंग ओवर देयर। बराबर। नाउ टैक्स में जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, बराबर। 11 पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द थ्योरी, ये 11 पॉइंट्स पढ़ो और पास हो जाओ। फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्ड एट डैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओह, मैंने ऑप्शन भी लिख के रखे आपके लिए, मार्केट प्राइस और ओरिजिनल कॉस्ट। बुक्स में बराबर फिक्स्ड एसेट्स किस पे लिखे जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज रिकॉर्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। दीज आर द 11 पॉइंट्स इन द थ्योरी विच यू पीपल हैव टू स्टडी। बराबर। एनी हाउ, अगर आप ये थियोरी पढ़ लेते हैं, आपका परफेक्ट हो गया है पूरा का पूरा, ठीक है, थियोरी का कंसेप्ट। इससे ज्यादा थियोरी आपको नहीं पढ़नी। अच्छा, ये फिफ्थ टॉपिक मेरा छूट गया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। द वैल्यू फिक्स एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड, एसेट की वैल्यू से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, जो बची हुई वैल्यू है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, यू कॉल इट WDV, और आई कैन से हम लोग रिटर्न ऑन वैल्यू तो नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, बट एक्चुअली वी कॉल इट बुक वैल्यू, आप इसे WDV भी कह सकते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या आता है, बट 11 पॉइंट्स के अलावा कोई थियोरी नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन हर बार एग्जाम में दो क्वेश्चन थियोरी के आए हैं इन एवरी अटेम्प्ट। तो अगर 11 पॉइंट्स पढ़ के अगर हम लोग को चार मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, हाँ कि ना? Now, hope you understood this. You can take a screenshot of the board. आप लोग अपने मोबाइल्स में देख रहे होंगे, you can take a screenshot. I'm giving you 1 second, और आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूँ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बराबर इन अ कैलकुलेशंस। ओके, नाउ एग्जाम में किन किन टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद गाइज। होप मैंने आप लोगों को बराबर प्रो विंग्स सीएस क्लासेस की हेल्प से, ठीक है, अदर टॉपिक्स भी भेजे हैं, आप लोग ने देखे होंगे, ठीक है। 4455 पॉइंट्स आर देयर विच आई एम गिविंग यू गारंटी कि 99.99% आपके एग्जाम्स में आएंगे। बराबर। नाउ होप यू पीपल आर गेटिंग द हेल्प फ्रॉम दिस वीडियोस। आगे आपको ऐसे वीडियोस दूसरे कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। टू द पॉइंट समरी, ठीक है, जहां पे कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं विच यू नो वेरी वेल, बस इतना आपको एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ लेना है, 10-15 डेज से पहले पढ़ लो, मेरे वीडियोस आपको तब बहुत काम आएंगे। ओके, नाउ फाइन, डेप्रिसिएशन में पहला पार्ट तो हो गया थियोरी, ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशंस पे, पार्ट टू कैलकुलेशंस। ओके, अब कैलकुलेशंस में आपको क्या करना है, तो मेरी बात सुनो, कैलकुलेशंस में आपको चार मेथड्स हैं। ओके, फर्स्ट मेथड इज SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। पहले सुन लो, आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे चार ही मेथड से आए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकेंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। थर्ड इज सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड एंड द फोर्थ इज सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के बाद फोर्थ इज डिप्लीशन मेथड।
ठीक है, डिप्लीशन मेथड इज सेम एज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, मतलब कैलकुलेशन सेम है, पर्पस थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट अपने को तो कैलकुलेशन के पॉइंट से जाना है। ठीक है, ये चार मेथड्स हैं। ठीक है, नाउ ये चार मेथड्स में तीन से चार फॉर्मूले हैं जिसको मैं दो दो मेथड करके आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट द थिंग इज दैट, ठीक है, रेस्ट बैलेंस कैलकुलेशंस आप लोग को करने हैं, मैंने विद सॉल्यूशंस इन क्वेश्चंस को अपलोड किया है। ओके नाउ तो प्लीज सी टू इट, कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसे आप WDV मेथड भी कहते हैं फटाफट। ना इन दोनों मेथड्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा सा गैप ज्यादा दे देते हैं, वी नीड आई विल राइट फॉर्मूलाज ओवर हियर, सो इट रिक्वायर बिट मोर स्पेस। स्ट्रेट लाइन मेथड, अब देखो दोस्तों चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं पहले यहां पे लिस्ट लिख देता हूं। सबसे पहले फाइंड क्लोजिंग बैलेंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे SL में चाहे RVM में, फाइंड क्लोजिंग बैलेंस। सेकेंड दे आस्क यू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मैं उसके फॉर्मूलाज लिख दूंगा। ठीक है, देन थर्ड दे आस्क यू फाइंड डेप्रिसिएशन पर एनम अमाउंट, एंड फोर्थ दे आस्क फाइंड डेप्रिसिएशन रेट। ये चार ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ओके नाउ जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा बोर्ड को ओके नाउ नो अदर क्वेश्चंस गेट आस्क्ड इन द एग्जाम, सो इनके फॉर्मूले क्या है मैं आपको शॉर्टकट्स बता देता हूं। वैसे इफ यू आर नॉट गेटिंग कंफर्टेबल विथ माई शॉर्टकट्स, प्लीज आप अपने मेथड्स पे स्टिक रहिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा मेथड ज्यादा इजी है यू कैन फॉलो इट, नहीं तो क्वेश्चंस तो आपको ये करने के ही जाने हैं, दिस क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। ओके नाउ लिसन, SLM और RVM में क्या फर्क है, दोनों मेथड की सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही आपको एसेट की वैल्यू को हर साल कम करना है, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, एक पॉइंट का डिफरेंस है फ्रेंड्स, और वो डिफरेंस है कि SLM मेथड में यू ऑलवेज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट प्राइस, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल सेम होता है, और RBA में यू ऑलवेज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन अ क्लोजिंग बैलेंस, बराबर है, बैलेंस ऑफ दी, जिसे आप WDV कह सकते हो, बुक वैल्यू कह सकते हो, इट इज चार्ज ऑन बुक वैल्यू, उसकी वजह से इस मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल रिड्यूस होते जाता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इस एक डिफरेंस की वजह से कि इनमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे चार्ज होता है और इनमें डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे चार्ज होता है, इसकी वजह से थोड़े से फॉर्मूले बदल गए। नाउ फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस, अब मैं आपको एक चीज बोल दूं, कभी कभी बोलो आपको क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे या ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस इज वन एंड द सेम, इनफैक्ट मैं आपको ऐसे कहता हूं कि ओपनिंग बैलेंस करके कुछ नहीं होता, जो लास्ट का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बनता है, बराबर है ना, तो दोनों के फॉर्मूले सेम है, खाली आपको क्या करना है, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस पूछे तो भी आपको क्लोजिंग बैलेंस ही निकालना है, लेकिन एक साल पीछे जाकर, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड फिफ्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस, मतलब इनडायरेक्टली आई एम आस्किंग यू फोर्थ ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो अगर आप फिफ्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस पूछा है तो भी फोर्थ ईयर का क्लोजिंग निकाल लो, मतलब अल्टीमेटली ओपनिंग इज नॉट देयर, इट्स अ क्लोजिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो सुनो, आप लोग कॉस्ट प्राइस लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, बराबर, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट लेंगे और उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे, अब इससे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स होता है, दैट इज टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब जब से खरीदा है, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल करंट ईयर, जितने भी साल होते हैं, वो डेप्रिसिएशन आप माइनस कर लो,
तो आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब सवाल ये है कि टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो सुनो आपको परसेंटेज दिया होगा, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो आपको एक साल का डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन पर है। आप उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर लेना, नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत सिंपल। हाँ क्या, ये जो मैंने ब्लू में लिखा ना नंबर ऑफ ईयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सिर्फ यहां मिस्टेक करते हैं, बाकी सब तो क्वेश्चन में दिया होता है। एक एग्जाम्पल ले लू, चल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एसेट परचेज इज वर्थ रुपीज 1 लाख, ठीक है, आई परचेज एसेट फॉर रुपीज 1 लाख, ओके, व्हाट विल बी द क्लोज, अच्छा सॉरी क्वेश्चन ले लेते हैं। आई परचेज एसेट फॉर रुपीज 1 लाख, ठीक है, एंड चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% अंडर SLM, व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सिक्स्थ ईयर। बताओ वो 1 लाख का एसेट का सिक्स्थ ईयर में क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, करो कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है, 10% डेप्रिसिएशन है, ओके, 10% इज द डेप्रिसिएशन एंड आई वांट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द सिक्स्थ ईयर, डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, मेथड इज SLM। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, करो तो मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं बता देता हूं, सुन लो, बहुत सिंपल है। कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया है, ये देखो 1 लाख, बराबर, देखो बहुत सिंपल है। डेप्रिसिएशन रेट कितना है 10%, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ 10,000, ओरली कर सकते हो। कितने साल का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सिक्स ईयर, तो सिक्स ईयर्स, तो क्योंकि डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम है तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर लो, तो 60,000 आपने आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस इज 40,000, क्या बोलते हो, है ना। अच्छा अगर मैं आपसे कहता एसेट का वैल्यू इज 1 लाख, ठीक है, डेप्रिसिएशन इज 10%, फाइन डेप्रिसिएशन डेट दिए हैं उसकी वजह से करंट ईयर में उस एसेट को यूज किया अभी तक आपने 5 years 6 months, तो 5 years 6 months यहां पे कैसे लेते हैं, तो सुनो 1 लाख 10% 10,000, तो आप यहां पे 5.5 ले लेंगे, तो 55,000, तो यहां पे आ जाएगा 45,000, कितना सिंपल है ना, अग्री करते हो ना। तो आप लोग का मेथड हो सकता है अच्छा और आप शायद उसे कंफर्टेबल है, तो फिर इसे आप टच मत कीजिएगा, खाली इन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कॉस्ट प्राइस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, आपको एक साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा इनटू नंबर ऑफ इयर्स। आपको पता है ये सम्स इतने इजी हैं कि आप लोग को एग्जामिनर को पता है कि इनमें कोई दम नहीं है इस चैप्टर में, तो आपको कंफ्यूज कहां करेंगे सिर्फ नंबर ऑफ इयर्स में। ये अगर आपने गड़बड़ कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बराबर, ओके। आप देखो, अब कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं सर आपका मेथड तो ठीक ठाक है बट अगर फ्रैक्शन आए तो कोई ईयर्स में कंप्लीट ईयर्स नहीं हुए, तो देखो 12 मंथ्स को आप 1 लेते हो ना, तो 6 मंथ्स को हम 0.5 लेंगे, 3 मंथ्स को हम 0.25 लेंगे और 9 मंथ्स को हम 0.75 लेंगे। तो अगर मैंने डेट ऑफ परचेज से लेकर करंट ईयर तक का नंबर ऑफ ईयर्स काउंट किया, नंबर ऑफ ईयर्स, और आता है 6 years 9 months, तो 6 years का कंप्लीट 6 years तो कंप्लीट है ना, तो 6 ले लेंगे वहां और 9 months का 7.5, तो मैं यहां पे 6.75 ले लूंगा, बराबर। अच्छा ना आप देखो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपको कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं पूछेंगे, दे विल गोना आस्क यू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बराबर। तो सुनो सेम है ये, देख लो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, आपको कॉस्ट प्राइस ही लेना है माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, सेम बराबर, तो आपको क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, अग्री, वही मेथड से डेप्रिसिएशन पर एनम इनटू नंबर ऑफ इयर्स। अरे बराबर, लेकिन सर तो फिर ये तो सुनो सेम होगा, यस, इससे खाली एक स्टेप आगे, आपको फाइन क्लोजिंग बैलेंस ही करना है, सेल वैल्यू माइनस करनी है जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, आपको प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस, मतलब इवन दो दे आस्क यू प्रॉफिट और लॉस द फॉर्मूला रिमेन सेम, यहां तक क्लोजिंग बैलेंस तक, खाली माइनस सेल वैल्यू करनी है। होप यू अंडरस्टूड SLM मेथड में, अग्री ना। इसके बाद फाइंड डेप्रिसिएशन पर एनम अमाउंट, आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालना, तो सुनो
इसमें दो मेथड्स है, आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया होगा, इफ डेप्रिसिएशन रेट इज नॉट गिवन, बराबर, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा है, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के दो नाम और हैं, समटाइम दे यूज द वर्ड सैलवेज वैल्यू, समटाइम दे यूज वर्ड रेसिडुअरी वैल्यू, और समटाइम स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट, आपको डेप्रिसिएशन आ जाएगा, है ना? और परसेंटेज दिया है, रेट दी है, तो सीधा कॉस्ट प्राइस पे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर ही सकते हैं, और डेप्रिसिएशन हर साल सेम ही रहता है, चाहे मैं फोर्थ ईयर का पूछूं या फिफ्थ ईयर का, इट्स वन एंड द सेम, डेप्रिसिएशन रेट इज नॉट गिवन। अरे बराबर, ये तीन पॉइंट समझे, और फोर्थ एंड द लास्ट मैं आपको बता दूं, मैं रेट नहीं बता रहा, एक और क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, हाँ, सो व्हाट इज दिस फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, या बताता हूं, जस्ट अ मिनट, कैमरे को थोड़ा सा नीचे करो कैमरामैन, ओके, नाउ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, बराबर, नाउ लिसन, इसमें देखो, इसका उल्टा है फर्स्ट का, सारा कंसेप्ट यही है, बाकी सब इसी से डिराइव्ड है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया था, क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहे थे, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस देंगे, कॉस्ट प्राइस पूछेंगे, मतलब यू टू गो उल्टा, बराबर, लेट्स टेक वन एग्जांपल, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, नहीं तो आपको ऐसे नहीं समझेगा, यहां लिखता हूं, लेट्स टेक वन एग्जांपल, मैं यहां पे पहले तो बताता हूं कि ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं कॉस्ट प्राइस इज 1 लाख, सुनना है प्लीज, एंड कंपनी हैव अ पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, ओके, फाइंड डेप्रिसिएशन, फाइंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस ऑफ द फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, चलो ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूं डेप्रिसिएशन 10% है, तो आप लोग जब डिटेल मेथड से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एक साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है ना, तो आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा 90,000, अगेन डेप्रिसिएशन 10,000 सेकेंड ईयर का, आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा 80,000, है ना, थर्ड ईयर का ओपनिंग, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10,000, क्योंकि एसएलएम मेथड में आप कॉस्ट प्राइस पे ही चार्ज करते हो ना, डेप्रिसिएशन अमाउंट रिमेन सेम, नाउ यू नो दिस ऑल थिंग्स, यार तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फोर्थ ईयर आ गया और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ थर्ड ईयर आ गया, इट्स 70,000, तो योर आंसर इज 70,000, वही मैंने इसमें भी समझा, देखो ना, माई कॉस्ट प्राइस इज 1 लाख, ये बहुत डिटेल हो जाता है, 10% डेप्रिसिएशन, तो एक साल का 10,000 हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3 ईयर्स, तो 30,000 इधर आ गया, तो सीधा मुझे 70,000 दे देता है ना, तो व्हाट आई गेट 10, 10, 10, 30 तो माइनस करना था ना तीन साल का, तो मैंने 10,000 टू 3 30 किया तो 70 आ गया, होप यू अंडरस्टूड, नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या था, कॉस्ट प्राइस दी थी और क्लोजिंग बैलेंस पूछा था, अब मैं फोर्थ वाले पे जाता हूं, फोर्थ में मालूम है वो लोग क्या बोलेंगे आपको, सुनो, फोर्थ में आपको 70,000 दिया होगा एंड दे विल गोइंग टू आस्क यू कॉस्ट प्राइस, हो अब कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन कैसे आएगा, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फोर्थ ईयर ऑफ द एसेट इज 70,000, अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फोर्थ ईयर का मतलब है तीन साल खत्म हो गए, अरे फोर्थ ईयर तो चालू हुआ है ना, बराबर है, कंपनी हैव अ पॉलिसी टू चार्ज 10% डेप्रिसिएशन, बराबर है, यू फाइंड आउट एट व्हाट प्राइस This asset was purchased. मतलब आपको उल्टा जाएगा, हाँ किया है ना, कैसे करोगे, हाँ आपने बहुत सारे मेथड्स किए होंगे, बट मैं बताता हूं मुझे क्या फाइंड करना है, सिक्स कॉस्ट प्राइस, सी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो रिवर्स, सो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगा सीधा ही, तो मैं एक बार की रेज्यूम करूंगा, मान लो कि मेरे मशीन की प्राइस 100 रुपए है, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, तो 90, फिर 10, तो 80, फिर 10, 70, And then I'll go with cross multiply. तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 लाख आ जाएगा, है ना? तो इस बार मैं कॉस्ट प्राइस 100 पकड़ूंगा और 100 पे यही फॉर्मूला लगाऊंगा तीन साल वाला, क्योंकि ये मुझे 1 लाख तो पता ही नहीं है, तो I'm going to put 100,
100 का 10 रुपीस आएगा, 10 into 3 30, तो I'll be getting 70. और फिर मैं रिवर्स ले लूंगा, मतलब मैंने फॉर्मूला चेंज नहीं किया, वैल्यू 100 ले ली मशीन की. होप यू अंडरस्टूड. तो अब देखो ये फॉर्मूला कैसे है. इधर आ, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, ये तो मुझे सॉल्व कर रहा है ना, एंड दिस वैल्यू इज गिवन 70,000. मुझे खाली ये तो क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया है ना, मुझे खाली ये फिगर निकालना. अब ये फिगर में कैसे निकालूंगा, तो 100 पे कैलकुलेशन करूंगा 10% डेप्रिसिएशन पर एन इंटू नंबर ऑफ इयर्स. तो एक साल का डेप्रिसिएशन 100 पे 10 इंटू 3 30, तो आई गॉट 70. फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, आई बी गेटिंग 1,00,000. होप यू अंडरस्टूड. तो मैं इसको स्टैंडर्डाइज कर देता हूं. एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है. आपको क्या करना है, जब भी कॉस्ट प्राइस पूछे एक बॉक्स बनाओ, उसके उधर 100 लिख दो, ये कॉस्ट है. लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, और आपको ओपनिंग बैलेंस विल बी गिवन टू यू, बैलेंस गिवन इन क्वेश्चन. व्हाट यू हैव टू डू, ये स्टैंडर्ड है, डबा लिखो, 100 लिखो और उसका ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया है. आपको 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 का वैल्यू कैसे निकलेगा, रेट दिया होगा, तो डेप्रिसिएशन पर एनम इनटू नंबर ऑफ इयर्स. यू जस्ट कम अप विद दिस फिगर, यू विल बी गेटिंग दिस फिगर. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इयर्स, है ना. समझा ऑल ऑफ यू, मैंने एग्जाम्पल लेके भी आपको समझा दिया. होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. नाउ अब ये चार क्वेश्चंस हैं आपके एसएलएम में आपको पढ़ने के लिए. फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए, अब मैं आरबीएम पे आ जाता हूं, ठीक है. आरबीएम में भी यही सेम क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं. सर ये तो बता, मोस्टली सबसे ज्यादा टाइम कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस और कॉस्ट प्राइस, अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से. दिस ऑल थिंग्स हैज बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ओके. लेकिन ये चार टॉपिक्स हैं. अबाउट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी दे कैन आस्क यू. अच्छा मैं इसको जरा लिख दूं क्या, प्रॉपरली फिलअप कर देता हूं, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू लाइक. डेप्रिसिएशन पर एनम इनटू नंबर ऑफ इयर्स, सबसे बड़ी तकलीफ नंबर ऑफ इयर्स की है हाँ फ्रेंड्स, इसको जरा संभालना. डेप्रिसिएशन में जिसको नंबर ऑफ इयर्स काउंट करने को आ गया, बराबर है, वो कुछ भी सॉल्व कर लेता है. एंड बी केयरफुल, ये जानना जरूरी है वेदर दे आर गिविंग फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, बराबर. फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर में भी गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. एसएलएम में नहीं, आरबीएम में. एसएलएम में तो सेम आंसर आएगा बिकॉज डेप्रिसिएशन अमाउंट इज कॉन्स्टेंट, बराबर. जैन टू डिसंबर है कि अप्रैल टू मार्च का क्वेश्चन है, ओके. ना अब आ जाओ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जरा देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी आपको क्लोजिंग बैलेंस पूछा जा सकता है, तो फिर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो लिसन, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है. या तो आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी जाएगी या आपको ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा, आप उसको सीधा कैलसी पे ले लें, ये तो सबको आता है, कॉस्ट प्राइस और ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट, और सीधा कैलसी पे माइनस डेप्रिसिएशन रेट, माइनस डेप्रिसिएशन परसेंटेज, माइनस डेप्रिसिएशन परसेंटेज करें, आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यू विल बी गेटिंग क्लोजिंग बैलेंस, है ना. अग्री करते हो इस बात को, हाँ कि ना, यस ना. सर ये क्या मतलब है बताता हूं, ये एग्जांपल के बिना नहीं समझेगा कि मैं आपको एक्चुअली क्या लिखवाना चाहता हूं, ओके. मैं बता देता हूं, टेंशन ना लो. लेसन, मान लो कि मैं क्वेश्चन में आपसे कहता हूं कि मशीन का कॉस्ट प्राइस इज 1,00,000, कंपनी हैव अ पॉलिसी टू चार्ज 10% डेप्रिसिएशन अंडर आरबीएम, ओके. फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फिफ्थ ईयर, चलो फोर्थ ईयर, अच्छा सादा कैलकुलेशन हो गया, थर्ड ईयर ले लो, चलो फाइंड द डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर. बोलो क्या बोलते हो,
फाइंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द थर्ड ईयर. तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? और मैं सेवन ईयर्स का ही पूछ सकता हूँ, बट ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो सुनो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल. कैलसी पे 1 लाख को टाइप करूंगा, एक बार -10 और परसेंट का बटन दबाऊंगा तो आपके कैलसी पे सीधा 90,000 दिखाई देगा. फिर एक बार फिर -10% दबाऊंगा तो आपके कैलसी पे 81,000 दिखाई देगा. फिर एक बार -10% दबाऊंगा आपकी कैलसी पे 7,200 दिखाई देगा. ये मेरा आंसर है. तीन बार -10% -10% -10%, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर पूछा ना. फिफ्थ ईयर का क्लोजिंग बैलेंस पूछा तो -10% 5 बार करते, बहुत सिंपल. हाँ कि ना? तो यही अपना शॉर्टकट है, सीधा कैलसी पे आ जाएगा आपका आंसर, बराबर. हाँ, बट इसे मेन बात क्या है फ्रेंड्स, इसे मेन बात है ये कितने बार दबाना है माइनस डेप्रिसिएशन. ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ईयर्स पे. नंबर ऑफ ईयर्स आप डेट ऑफ परचेज से लेकर करंट ईयर तक काउंटिंग करोगे, स्टार्टिंग डेट से लेकर करंट ईयर तक. होप यू अंडरस्टूड यार. हाँ, ऑल ऑफ यू समझा? ठीक, आगे बढ़ते. फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. मैंने SLM में भी बताया था कि दोनों फॉर्मूले सेम है, खाली माइनस सेल वैल्यू एक्स्ट्रा लिखा. इससे भी वही होगा, कॉस्ट प्राइस या ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया है ऑफ एसेट सोल्ड सेम. अरे सोल्ड हटा दो ना, एक्चुअली बेचने का कॉस्ट प्राइस होगा, इट्स वेरी नेचुरल यार, बराबर. फिर आप लोग को पहले तो क्लोजिंग बैलेंस ही निकालना है. तो माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. जिसे आप बुक वैल्यू भी कहते हैं. मुझे बताओ इस बार इसमें कुछ फर्क है? नो. अब एक कदम आगे, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट सेल प्राइस. आपको सेल प्राइस माइनस करनी है, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, आंसर आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस. अच्छा, इन दोनों में अगर आंसर पॉजिटिव आया ये वाला तो लॉस है, और नेगेटिव आया तो प्रॉफिट है. अब आप बोलोगे सर ये तो उल्टा है. हाँ, तो फॉर्मूला भी तो उल्टा है ना, दैट्स व्हाई. ठीक है ऑल ऑफ यू, तो कैन आई से अगर प्रॉफिट या लॉस पूछे या क्लोजिंग बैलेंस पूछे, इट्स वन एंड द सेम फॉर्मूला है, खाली सेल प्राइस माइनस कर लेंगे. अच्छा, इसमें आपको डेट ऑफ परचेज से लेकर या स्टार्टिंग डेट से लेकर डेट ऑफ सेल तक का काउंटिंग करना है, नंबर ऑफ इयर्स. अग्री? अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम आए, डाउट आना चाहिए आपको. सर ये तो ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन आया तो क्या करेंगे? 5 या 6 months आया तो डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक या डेट ऑफ परचेज से लेकर करंट ईयर तक, अगर 5 साल 6 महीना हुआ तो वॉट इफ 4 years 9 months then? तो 4 years तो आई नो 4 times appreciation. What to do for 9 months? Yes, तो फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करने का? तो लिसन, मैं आपको बता देता हूं. यहां पर 12 months 6 months 3 months 9 months. ओके, अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो पूरे साल का 10% लोगे, 6 months का 5% लो, 3 months का उसका भी आधा 2.5% लो, और 9 months का 7.5%. 6 + 3 = 9 होता है ना. अच्छा, अगर 15% बोला है तो फुल ईयर का 15% -15% करने का, और 6 months है तो 7.5%, 15 का हाफ. 3 months है बराबर, 3 months तो 3.75, 7 का हाफ 3.5, और 0.5 का 3.75, और 9 मंथ से तो 7 + 3 = 10, 11.25%, है ना. और मैं आपको एक चीज बता दूं, फ्रैक्शन किस में आएगा? सिर्फ डेट ऑफ परचेज में, परचेज ईयर और सेल ईयर, बाकी मिडिल ईयर कभी भी फ्रैक्शंस के नहीं होते. खैर ठीक है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा. वैसे इतना एग्जाम में घुमाते नहीं है, एग्जाम में कंप्लीट ईयर्स के ही आते हैं, तो टेंशन नहीं है. दे डोंट ट्राई टू कंफ्यूज यू. व्हाई? बिकॉज दे नो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ मिनट, तो दे डोंट वांट टू मेक अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू. क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी सिंपल, बट यही क्वेश्चंस आते हैं. डेप्रिसिएशन बराबर, इसके ऊपर कभी क्वेश्चंस नहीं आते, तो लीव दिस फॉर्मूला, इट डजंट मैटर. आएगा तो SLM का ही आएगा, RBM का कभी नहीं आएगा. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट. ओ माय गॉड, यस, ये क्वेश्चंस आते हैं. थोड़ा कैमरा नीचे कर लेते हैं ना. अब ये क्वेश्चन जो है सेम एज दिस वन, पहला
पहले एक एग्जांपल ले लूं क्या? देखो सेम, पहले मैं लिख देता हूं, लेट द बॉक्स बी, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा गिवन इन क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये 100 की वैल्यू निकालनी है, यही फॉर्मूला है, लेस डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन, तो आपको 100 का फिगर मिलेगा, उससे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यू आर गोइंग टू गेट द कॉस्ट प्राइस। ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बट मुझे रब करना पड़ेगा। डू वन थिंग, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट इफ यू वॉन्ट। पहले वीडियो पॉज करके ऊपर का पार्ट ले लो, बिकॉज दैट फोर्थ फॉर्मूला इज नॉट गेटिंग कवर्ड ओवर हियर, ठीक है? अब मैं नीचे कर देता हूँ सो दैट यू कैन टेक दैट स्क्रीनशॉट ऑल्सो। वीडियो को पॉज करके ले लेना प्लीज, पॉज द वीडियो एंड देन टेक इट इफ यू लाइक माई मेथड्स। ओके नाउ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि भाई ये कैसे आया। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, डोंट वरी, जैसे मैंने एसएलए में समझाया, आई एम रबिंग माई बोर्ड फर्स्ट, ठीक है? लास्ट पार्ट जरा समझा देता हूँ, लिसन, चलो यही समझा देता हूँ। टू द पॉइंट वीडियोस, नॉट वेस्टिंग टाइम, बराबर ना, ताकि आपका टाइम बचे। कुछ लोग वीडियोज देखते देखते सो जाते हैं बराबर ना, दैट इज लिसन फाइन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं, पहले तो मैं ये वाला बता देता हूं, ठीक है? इसी को रिवर्स ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज 1 लाख, ओके? कंपनी हैव अ पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन अंडर आरबीएम मेथड, ओके? तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी 10,000, तो यू विल बी गेटिंग ओपनिंग बैलेंस 90,000, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन इज 9,000, बिकॉज यू नो यू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस, अगेन यू गॉट ओपनिंग बैलेंस 81,000, अगेन डेप्रिसिएशन 8,100, देन यू विल गो टू गेट 72,900, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस, राइट? बट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस, बराबर? और इसी को मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, यही काम आप लोग कैसे कर सकते थे जो ऑलरेडी बता चुका हूं, बराबर? अब एग्जाम में आपको 1 लाख दिया था, आपने 72,900 फाइंड किया, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला, बट नाउ इन द एग्जाम दे विल गोइंग टू गिव यू 72,900 एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो आपको 72,900 क्वेश्चन में दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन रेट दिया जाएगा और यूज दिए जाएंगे कि आपने 3 साल पहले खरीदा था। तो क्वेश्चन विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट ऑफ द थर्ड ईयर इज 72,900, कंपनी हैव अ पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, ठीक है ना? एट व्हाट प्राइस दिस एसेट वाज परचेज्ड 3 इयर्स बैक। तो कैन यू से आई हैव टू गो रिवर्स, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो रिवर्स, तो मैं तो सीधा ही जाऊंगा, बट मैं अब अज्यूम करूंगा कि भाई मेरी मशीन अगर 100 रुपए की होती तो क्या होता। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, लिसन, यहां पर देखो, लेट द डब्बा बी 100, ओके, 72,900, 3 इयर्स कंप्लीट हो गए ना? चलो आपको पहले मैं डिटेल बता दूं यहां, तो देखो, लेट माई कॉस्ट प्राइस बी 100, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10 रुपीज, तो क्लोजिंग बैलेंस इज 90, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन इज 9 रुपीज, अरे 90 का 9% 9, 81, फिर 8.10, तो 72.90। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 72,900 इनटू 100 डिवाइड बाय 72.90, आई विल बी गेटिंग 1 लाख, चेक ऑन द कैलसे, हाँ क्यों ना? लेकिन ये सब करने से बेटर है मैं 3 बार -10% कर लूंगा सीधा कैलसी पे। तो मैं कैलसी पे अगर सीधा 3 बार -10% बिकॉज आई नो 3 इयर्स है, तो 3 टाइम्स, तो मेरी कैलसी पे सीधा 72.9 आ जाएगा, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई,
I'll be getting 1 lakh. सारा गेम डेप्रिसिएशन में नंबर ऑफ इयर्स पे है, बस 3 years, 4 years, 5 years, ये काउंटिंग आपको आनी चाहिए, दैट्स ऑल. होप यू अंडरस्टूड. पक्का. तो मैंने आपको SLM और RBM के 4 questions बता दिए, और वो 4 question भी लगभग क्लोजिंग बैलेंस का ही फॉर्मूला है. प्रैक्टिस करो ये 4, आप एग्जाम में क्लियर हो जाओगे. अब SLM और RBM के बाद 2 methods और हैं जो मैं डिस्कस ना भी करूं तो चलेगा, बिकॉज दिस SLM एंड RBM के questions has been frequently asked in the exams. Yes, but 2 methods और हैं which they can ask you. उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक सम ऑफ द योर डिजिट मेथड इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड डेप्रिसिएशन पर एनम, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स यू हैव टू फाइंड. तो फॉर्मूला क्या होगा डेप्रिसिएशन पर एनम का, सीखा होगा. आई एम नॉट गेटिंग इनटू सो मच डिटेल. एक ही क्वेश्चन है, आप लोगों को कॉस्ट प्राइस लेनी है माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. Sometimes they use the word residual value, sometimes they use the word salvage value. बराबर, divide by sum of the life of asset. What is sum of the life of asset? क्वेश्चन बोलेगा asset की life is 6 years. तो आपको है ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कर लेना, तो 21 आ जाएगा, divide by 21 करते हैं. बराबर, अब जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो है रिमेनिंग लाइफ काउंट करना. Remaining life. आगे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, including current. ये आपका formula है. Student यहां पर कहीं mistake नहीं करते, because this information is given in the question. Remaining life को counting करने में गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है including current यहां. बराबर ना, तो ये जरा संभाल लेना. और एक है depletion method, जिसको मशीन आर्ट्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सबके फॉर्मूले एक जैसे हैं. डिप्रेशन मेथड में एक थ्योरी पूछी गई है कि ये मेथड ऑफ डिप्रेशन किसको लगता है, तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वॉस्टिंग एसेट्स, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल वेल्स, कोल माइंस एक्सेट्रा. ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है. और इसका डिप्रिसिएशन अमाउंट, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला. इसमें आपको कॉस्ट प्राइस लेनी है माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी लेना है, ये कॉन्स्टेंट है, इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस लेनी है. आपको पर्टिकुलर ईयर का, एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा. बराबर, ऑल ऑफ यू. Now, मैं इसमें आपको एग्जाम्पल्स नहीं बता रहा, बिकॉज यू नो दिस ऑल थिंग्स वेरी वेल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नाउ SLM RBM इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. नाउ बस ये 6 points हैं, 6 points मेथड्स हैं, इसे आप कैलकुलेशन में लो और वो 11 points थ्योरी के पढ़ लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी. ठीक है, नाउ गाइज बहुत रिसर्च करके विश्वास के साथ ये वीडियो बनाया है. ठीक है, यू कैन वॉच इट इफ यू लाइक इट. बराबर है, नाउ प्लीज अप्रोच अस इन एग्जीक्यूटिव. हम चाहते हैं आप फाउंडेशन बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो दिसंबर 2020 में. बराबर ना, भगवान करे वो पोस्टपोन ना हो, बहुत वेट किया है आप लोगों ने. बराबर ना, टू द पॉइंट है, इतना पढ़े, नोट्स आप डाउनलोड कर लें. ठीक है, अच्छा सिर्फ यहाँ पर मेरा वंस यू पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियोज, बराबर हमारा एक रिलेशन बन जाता है. सो आई डोंट वॉन्ट कि यू शुड हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, तो मैं आप लोग को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ. ठीक है, 9773450031, दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर. यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट्स फ्रेंड्स. ठीक है, नाउ यू कैन व्हाट्सएप मी 9773450031. ओके, आप मुझे व्हाट्सएप करें आपका नेम, फिर यू आर फ्रॉम विच प्लेस, एंड देन योर डाउट. आप मुझे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है, फोटो भेज सकते हैं ऑन माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर. आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स इन बिटवीन 5 PM to 7 PM, आपको मेरा रिप्लाई आ जाएगा. ओके, सो प्लीज, ठीक है ना, फोकस कीजिए,
हमारी प्रो विंग सीएस टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, ठीक है? नाउ यू प्लीज स्टडी एंड गेट क्लियर, एग्जीक्यूटिव के लिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।